गुड मॉर्निंग म्यूजिक के सभी स्टूडेंट्स जिनके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमें क्या पढ़ें, एग्जाम में क्या आएगा, इसके लिए अब हम आपको सीक्वेंस वाइज लेसन वाइज एक एक वीडियो बना करके आपको देंगे। आप उस वीडियो को देख करके 12th क्लास का पूरा कोर्स ठीक प्रकार से आप तैयार कर पाएंगे। अगर आपने इसको ठीक प्रकार से समझा, ठीक प्रकार से आपने इसको सुना और फिर इसके बाद में आपकी जो भी क्यूरीज हैं वो आप हमसे शेयर करेंगे, तो आप लोगों की सारी समस्याएं जो 12th क्लास में जिन्होंने हिंदुस्तानी म्यूजिक मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट ले रखा है जिसका कोड नंबर है 035, जिसने ये सब्जेक्ट ले रखा है, तो इस बार जो कोर्स में कटौती हुई है वो सारा का सारा हम आपको यूनिट वाइज एक एक तैयार करवाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट में क्या क्या इस बार आने वाला है, 11th क्लास में भी और बोर्ड क्लास में भी, स्पेशली बोर्ड क्लास के लिए। आज मैं 12वीं क्लास का आपको बताने जा रहा हूँ कि 12वीं क्लास का कोर्स स्ट्रक्चर क्या है वो आप देख लें। इसके अंदर म्यूजिक में हमारे 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें से 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और केवल 30 नंबर की थ्योरी होती है। अगर आपने थ्योरी को ठीक प्रकार से पढ़ लिया तो आपका प्रैक्टिकल भी अच्छा हो जाता है और थ्योरी में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। अच्छे मार्क्स से हमारी जो ओवरऑल स्कोरिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि आपके कोर्स में थ्योरी में क्या क्या आने वाला है, तो आप लोग या तो कॉपी पेन लेकर के नोट कर लें, वरना मैं आपको इस बार का 12th क्लास का 035 जो कोड है हमारा हिंदुस्तानी म्यूजिक मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट, ये आपको इसकी फोटोकॉपी आपको शेयर कर देंगे। तो आप अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप इसको नोट कर लेंगे। पहला है यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, तो इसके अंदर क्या है ये आप नोट कर लें। ब्रीफ स्टडी ऑफ द फॉलोइंग्स, यानी आपको इनके बारे में लिखना है, इनके बारे में टिप्पणियां लिखनी है, इनके बारे में जानकारी लिखनी है। क्या क्या? एक तो है ग्राम, दूसरा है मूर्छना, तीसरा है अलंकार, चौथा है आलाप और पांचवा है तान। तो ये जो 5 शब्द हैं जो म्यूजिक के पारिभाषिक शब्द हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ग्राम क्या होता है, मूर्छना क्या होती है, अलंकार क्या होता है, आलाप क्या होता है, तान क्या होती है, इसके बारे में लिखना है। इसी यूनिट के अंदर दूसरा है ब्रीफ स्टडी ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें गमक, मीड, कण, कृंतन, जमजमा, घसीट और सूत, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वर्ड और हैं म्यूजिक के जिनकी जानकारी, जिनकी परिभाषा भी आपको लिखनी है। तो ये दोनों मिला करके ग्राम, मूर्छना, अलंकार, आलाप, तान, गमक, मीड, कण, कृंतन, जमजमा, घसीट और सूत, इन सबको मिला करके 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। और ये बहुत छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, अगर हम ठीक प्रकार से इसको समझेंगे तो हम आसानी से इसके आंसर लिख पाएंगे, तो इससे हमको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। दूसरी यूनिट है जिसमें है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टाइम थ्योरी ऑफ रागास, यानी रागों का समय सिद्धांत क्या है। हम सब लोगों ने सुना होगा कि रागों को गाने का टाइम होता है, तो इसके पीछे क्या थ्योरी है, इसके पीछे क्या सिद्धांत है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो ये सारी जानकारी हमें मिलेगी रागों के समय सिद्धांत। तो ये हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे कि रागों का समय सिद्धांत क्या होता है, लेकिन आप नोट कर लें कि सेकेंड यूनिट है रागों का समय सिद्धांत, केवल इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा जो 6 नंबर का होगा, जिसके 6 पॉइंट हैं वो आपको हम डिटेल से बाद में अगले वीडियो में डाल देंगे। थर्ड यूनिट है डिटेल स्टडी ऑफ द फॉलोइंग,
संगीत में बहुत हमारे पुराने जो दो ग्रंथ हैं, जो पुरानी बुक हैं, जिनका महत्व आज भी है, तो सबसे प्राचीन से प्राचीन हमारे पास संगीत का क्या इतिहास है? वैसे तो वेदों के अंदर जो सामवेद है उसके अंदर पूरा ये संगीत के बारे में दिया हुआ है, लेकिन संगीत की जो लिपिबद्ध संगीत को किया गया है, संगीत के जो मुख्य अंग है, रागों के जो मुख्य अंग है, वो हमें कौन सी बुक में मिलते हैं? तो ऐसी दो बुक हमारे पास में है, वैसे तो तीन है, एक नाट्य शास्त्र और होता है, लेकिन अभी हमारे पास जो है वो दो बुक्स के बारे में आएगा, एक तो संगीत रत्नाकर और एक संगीत पारिजात। ये दो बुक्स हैं, इनके बारे में आपको डिटेल स्टडी पता होना चाहिए कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ क्या है, किसने लिखा था, और उसके अंदर संगीत की क्या क्या मूल चीजें थी जो आज भी प्रचलित हैं, जिनका आज के म्यूजिक से भी संबंध है। तो ये बहुत पुरानी बुक्स हैं, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात। इन दो बुक्स के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि हमारी 12th क्लास की, 11th 12th की जो थ्योरी की बुक है हमारे पास में म्यूजिक की, उसके अंदर सारा का सारा उसमें विस्तार से इसमें दिया हुआ है। थर्ड है लाइफ स्केच एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इनायत खान, मुश्ताक अली खान और अलाउद्दीन खान। ये म्यूजिक के हैं, म्यूजिशियन बहुत अच्छे पुराने, कोई सिंगर हुए हैं, कोई सितार वादक हुए हैं, कोई कंपोजर हुए हैं। तो इन तीनों के बारे में आपको इनकी लाइफ स्टडी, इनका जीवन परिचय और संगीत में इनका क्या योगदान रहा, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसकी पूरी जो है लाइफ स्टोरी आपको लिखनी है, जो कि 6 नंबर की होगी, यानी संगीत रत्नाकर, संगीत पारिजात और लाइफ जो स्टोरी है इनकी, वो आपको लिखना है। लाइफ स्टोरी के अंदर इनके जन्म से लेकर के इनकी मृत्यु तक, जो अलग अलग काल में इन्होंने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ पढ़े और संगीत में कितने विद्वान थे, और इन्होंने क्या क्या जो है उपलब्धियां प्राप्त की अपने जीवन में, और कहाँ कहाँ इन्होंने संगीत सीखा, और फिर इन्होंने संगीत की सेवा करते हुए अपना पूरा जीवन किस प्रकार से बिताया, अंत समय तक इनके बारे में हमें लिखना है। लगभग 1.5-2 पेज का हमारा आंसर इसमें होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों ने अच्छा लिखा है पहले, और उनको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले हैं, जिसके कारण से हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया था पिछली बार। उससे पहले भी हमारा म्यूजिक का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है। इसके बाद है यूनिट 4, चौथी यूनिट के अंदर आपको बताना है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड ताल्स अलोंग विद ताल नोटेशन विद थाह दुगुन तिगुन एंड चौगुन। यानी ताल को आपको लिख करके बताना है, ताल को किस प्रकार से लिपिबद्ध किया जाता है, ये सारी हमारे बुक्स में दे रखा है, जिसमें 3 प्रकार की तालें आपके इसमें आएगी, सॉरी 2 प्रकार की तालें इसमें आएगी, झप ताल और रूपक ताल। थ्योरी के अंदर, प्रैक्टिकल में तो 1-2 ताल और बढ़ जाती है, थ्योरी के अंदर 2 प्रकार की ताल हैं, झप ताल और रूपक ताल। इसकी थाह लिखना यानी सिंगल लिखना, दुगुन लिखना, तिगुन लिखना और चौगुन लिखना, इसके बारे में हम आपको आगे डिटेल से बताएंगे। इसको ताल को सिंगल में कैसे लिखते हैं, दुगुन में कैसे लिखते हैं, तिगुन में कैसे लिखते हैं, चौगुन में कैसे लिखते हैं, तो इस प्रकार से आप तालों को लिखना, इसके अंदर एक भी मार्क्स कटने की गुंजाइश नहीं है, ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर ये आपका है, हाँ, इसके साथ में एक क्वेश्चन हो रहा है ट्यूनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हम जिस इंस्ट्रूमेंट को चूज कर रहे हैं, हमारा जो हिंदुस्तानी जो म्यूजिक है, इसके अंदर हमने इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट ले रखा है, 035 जो कोड है वो इंस्ट्रूमेंट का है, तो इंस्ट्रूमेंट को ट्यूनिंग कैसे करते हैं, उसको ट्यून कैसे करते हैं, ये हमें आना चाहिए। तो हमारे पास में जो है वो सब्जेक्ट है सितार, हमारे पास जो उपलब्ध है सितार भी है, वायलिन भी है, लेकिन ज्यादातर बच्चे सितार के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो सितार को कैसे ट्यून करते हैं, सितार को, सितार के अंदर किस प्रकार से वायर होते हैं, उन वायरों को कौन कौन से स्वर में ट्यून करना पड़ता है, ये सब हम आगे सीखेंगे। तो सितार को ट्यून करना, और झपताल और रूपकताल की एक गुण, दुगुण, तिगुण, चौगुण,
ये लिखना, ये 6 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। तो ये हमारे हो गए यूनिट 4। पांचवी यूनिट के अंदर क्या आता है, पांचवी यूनिट के अंदर आता है हमारा रागों के बारे में, जिसके अंदर आपको एक राग तैयार करना है, एक राग सीखना है, उसकी थ्योरी पूरी तैयार करनी है, जिसका नाम है शुद्ध सारंग। शुद्ध सारंग जो राग है उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए कि शुद्ध सारंग राग कब गाया जाता है, शुद्ध राग सारंग राग के अंदर क्या क्या जो है वो स्वर लगते हैं, कब गाया जाता है, उसका वादी स्वर क्या है, संवादी क्या है, तो उसकी डिटेल आपको 6-7 लाइन की होती है, वो आपको तैयार करनी है। और उसके बाद में आपको 3 रागों के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ना है, राग भैरव, राग बागेश्वरी और राग मालकोश। इनकी आपको बंदिशें तैयार करनी है, स्वर लिपि, यानी स्वर लिपि को आप, जैसे हम जो राग को कैसे लिखते हैं, तो रागों को लिखने की जो म्यूजिक की भाषा होती है उसे स्वरलिपि कहते हैं। तो म्यूजिक की भाषा में यानी सरगम की भाषा में उसको रागों को लिखना है, तो जिसके अंदर आपको 3 रागें तैयार करनी है, राग भैरव, राग बागेश्वरी और राग मालकोश। तो ये आपका पूरा कंप्लीट जो 30 नंबर की थ्योरी का है। इसके बाद में हम देखेंगे प्रैक्टिकल में हमारे क्या आएगा। तो प्रैक्टिकल के अंदर जो है वो है वन रजाखानी गत इन प्रेस्क्राइब्ड रागाज भैरव बागेश्री मालकोश विद सिंपल तोड़ा एंड झाला, यानी सिंपल रूप से आपको राग, इन रागों में से कोई भी राग आपको बजा करके बतानी है सितार के ऊपर, भैरव बागेश्री मालकोश इनके बारे में आपको पहले बताना, इसका आरोह है अवरोह है पकड़ और फिर इसकी स्वरलिपि बजा करके और इसके अंदर सिंपल तोड़ा और झाला उसके अंदर सितार के ऊपर दिखा करके आपको ये कंप्लीट करना है। ये पहला जो क्वेश्चन है ये 45 नंबर का है। उसके बाद में वन मशीन मशीद खानी गत इन प्रेस्क्राइब्ड रागाज विद सिंपल फ्यू तोड़ाज, यानी थोड़े से तोड़े के साथ में उसको बजाना है। यही रागे जो आपके राग इसमें आई है, जो भैरव बागेश्वरी मालकोश आदि रागे, इसके बारे में आपको इसमें मशीद खानी गत, इसमें 2 गतें होती है, ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं, रजा खानी गत और मशीद खानी गत। तो इन दोनों गतों के बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, रजा खानी गत क्या होती है और मशीद खानी गत क्या होती है। वैसे इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, जो 2 आर्टिस्ट थे, एक मशीद खान एक रजा खान, तो रजा खानों ने जिसकी रचना की वो रजा खानी गत के नाम से प्रसिद्ध हो गई और मशीद खान ने जिसकी रचना की वो मशीद खानी गत के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इसके बाद में आलाप, ये जो ऊपर वाला रजा खानी गत और मशीद खानी गत जो है ये आएंगे 45 नंबर का एक, 14 नंबर का एक, और इसके बाद में है आलाप जोड़ झाला इन एनी वन ऑफ द प्रेस्क्राइब रागाज विद एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस मीड, मीड होता है इसके अंदर बजाने का एक पार्ट होता है, मीड कैसे बजाते हैं, मीड ऑफ मिनिमम 2 स्वराज, 2 स्वरा के ऊपर मीड करके बताना है कि मीड किस प्रकार से करते हैं 2 स्वरों के ऊपर। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। और वन कंपोजिशन इन एक ताल और इन झपताल इन एनी ऑफ द प्रेस्क्राइब रागाज, इनमें कोई भी राग में जो है एक तो झपताल में और एक एक ताल में, एक ताल यानी 12 मात्रा, झपताल यानी 10 मात्रा, ये आपको मात्राओं के बारे में बताएंगे कि 10 मात्रा और 12 मात्रा में, तो इनके अंदर एक एक कंपोजिशन जो है वो हमें बजानी है, जो कि आएगा 8 नंबर का। इसके बाद में आपको एबिलिटी एबिलिटी ऑफ रिशेट ठेकाज, ठेका होता है उसको, ताल को ठेका बोलते हैं, कि ताल के शुद्ध बोल जो होते हैं उनको ठेका कहते हैं, जो जो ठेका होता है उसमें झपताल रूपक ताल इन तालों की आपको दुगुन यानी सिंगल और दुगुन ये आपको अपने हाथ के ऊपर लगा के बतानी है, हैंड बिट्स जिसको बोलते हैं, आपके हाथ के ऊपर आपको रूपक ताल और झपताल इसकी एक गुण और दुगुन आपको लगा के बतानी है, जो कि हम प्रैक्टिकल के पार्ट में सीखेंगे। कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बड़ा सरल है, हम आराम से इसको लगा सकते हैं। ये है
आठ नंबर का ये क्वेश्चन आपका आएगा। इसके बाद में कोई भी एक सोम, कोई भी एक सोम जो है आपको किसी भी कंपोजिशन, किसी भी राग पर आधारित कोई भी एक सोम है उसको बजा के बताना है। और उसके बाद में आता है ट्यूनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑप्टेड फॉर, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको ट्यून कैसे करते हैं इसके बारे में एग्जामिनर हमसे पूछेगा। तो ये सारी जानकारी हमें देनी है। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका ट्वेल्थ क्लास का, जिसमें थ्योरी भी आ गया प्रैक्टिकल भी आ गया, ये कोर्स है। तो आपको इसको थोड़ा ध्यान से, हमारी वीडियोज आप टाइम टू टाइम देखते रहें, और टाइम टू टाइम आप इसको थोड़ा सा जब भी समय मिले इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम आसानी से जो है बहुत अच्छे मार्क्स के पास पहुंच सकते हैं, अच्छे से हम ये एग्जाम दे पाएंगे बोर्ड क्लास का, ट्वेल्थ क्लास का। तो आज के लेसन में केवल मैंने आपको बताया है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, और अगले जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम यूनिट फर्स्ट से हम जो है कि हम, मैंने बताया था ना ग्राम, मूर्छना, ये क्या क्या चीजें होती हैं, तान है, इनको परिभाषित करेंगे, इनको ठीक प्रकार से हम एक्सप्लेन करेंगे और आप उसको ठीक प्रकार से समझ पाएंगे, और जो भी आपकी क्यूरीज होगी हम उसका समाधान करेंगे। थैंक यू।